हाय, दिस इज राम प्रवेश। और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारे XUV700 वालों खड़ी है, और अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी ये हमारे साथ ऐसी चीज़ें दूसरी बार हुई है। राइट, तो हुआ ऐसा कि अभी मुझे जाना था कुछ बुक्स वगैरह लेने के लिए। मैंने कॉल करके भी टाइमली थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमें, तो मैंने रोक करके बोला हुआ था बुक शॉप वाले को, बच्चे के लिए लेना था, तो उसको बोला था कि थोड़ी देर आप रोकिए, मैं आता हूँ। आ करके मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गया। राइट, और उसके बाद एक तो ये हो गया, दूसरी चीज़ जब गाड़ी अगर मैं बंद करके दूसरी गाड़ी उठा के जाता हूँ तो भी मैं अटक गया। तो जब मैं ऐसा करना चाहा तो मैंने देखा कि इसका डोर लॉक भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करूं? अब मैंने अंत में क्या किया है, मैंने इसको कवर डाल दिया है, और कवर डाल करके और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी कवर डाल के और अपनी दूसरी मैनुअल कार को उठाया। अभी ये देखिए लॉक है ना, ये लॉक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा है वैसे के वैसे आप अटक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लास्ट टाइम भी फंस गए थे, एक हिल पे थे और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई थी। और आज अच्छी बात यह है कि मैं घर पे था और मुझे कहीं निकलना था, लेकिन ऐसे में क्या ऑटोमेटिक गाड़ी में थोड़ा सा प्रिकॉन्शंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। बैटरी क्यों डाउन हो रहा है इसके पीछे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। एडेनॉक्स की वार्निंग भी आती है ऑल्दो, बट अभी मैं जो अपनी कार को चलाया हूँ, परसों चलाया था और वॉश करके उसके बाद रख दिया था। और यहीं पर मैनुअल कार ये देखिए हमारी दूसरी खड़ी है, तो मैंने 2 मिनट में, ये 2 महीने से चली नहीं थी, और 2 मिनट में मैंने जस्ट इसको स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैं तुरंत निकल गया कैचअप करने के लिए बुक शॉप वाले से। राइट, तो यहाँ पे ये एडवांटेज मुझे मैनुअल का बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे भी ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्टक हो चुके हैं। तो मैं बता दूं, ये हमारी ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा इस गाड़ी की हो गई है, और मैं ये यूज कर रहा हूँ वन हैंडेड, खुद ही यूज कर रहा हूँ, और ये फुल्ली लोडेड है। इसके अंदर आपको एम्बियंस लाइट हो, इसके अंदर साउंड प्रूफिंग हो, ये सब मैंने खुद ही किया है। इसके पर चारों तरफ ये सब एक्सेसरीज वगैरह है, और इन सब एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी नई गाड़ी में XUV700 में कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ मेरा ये एक्सपीरियंस है। इसमें आप देख सकते हैं रेन वाइजर वगैरह भी हमने लगाया था। गई तो ये सब एक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो एम्बियंस है, हालांकि वो ऑफ हो गया होगा, बट मैंने ये सब लगाए हुए हैं, आपको लाइटिंग वगैरह दिख रही है। राइट, तो ये है। उसके बाद कुछ साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं, अभी मैं इस कार को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाए हैं। साउंड डैम्पनिंग सीट अंदर है लगी हुई, और इसके अंदर भी अडास पेडास वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। राइट, ये मैं पिछले 10 साल से यूज़ करता हूँ। ये यहाँ पर, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी मैंने JBL के मैं JBL कंपनी में ही था एक्चुअली, तो मुझे एम्प्लॉय डिस्काउंट के कारण मैंने पूरे साउंड सिस्टम भी इसके अंदर जो लगाए हैं, ये साउंड स्पोर्ट स्टेज करके इसमें आता है मॉडल, तो वो हम लोग को एम्प्लॉय डिस्काउंट में मिल गया था। बेसिकली वो मर्सिडीज का मॉडल आता है, तो वो मैंने इसमें टाटा के अंदर मैंने लगाया था, लोगो वगैरह भी देख सकते हैं। स्पीकर वगैरह भी उसमें वही है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 इंच का या 4 इंच का रहता है, इसमें 6.5 इंच का रहता है, तो वूफर रहता है। तो ये सब लगाए हुए मैंने, ट्विटर इसमें ये सारे आइटम मैंने इसको पूरा एक्सेसराइज किया हुआ है। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं JBL का 12 इंच का सब ऊपर सिलेंड्रिकल लगा हुआ है, और इसका जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर 8 चैनल एम्पलीफायर। आइडियली एम्पलीफायर जो हमारा होता है, जो आफ्टर मार्केट लगाए जाते हैं, वो 2 चैनल का या 1 चैनल का होता है, या तो फिर अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो 4 चैनल का भी मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो एम्पलीफायर लगाए हैं ये 8 चैनल एम्पलीफायर है, और ये स्पोर्ट स्टेज वही जैसा मैंने बताया मर्सिडीज़ का ये सेट है, जो कि मैंने अपने इसमें मांजा में सेट किया हुआ था। अच्छी बात यह है कि इतने एक्सेसरीज लगाने के बाद भी मुझे मैनुअल कार में आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो पावर की आई। ऑटोमेटिक कार में ऐसा होता है वैसे। सो ये सब एक है जो मेरा एक्सेसरीज का भी खूब एक्सपीरियंस है, इसके कारण से मैं अभी इस बार न्यू कार में नहीं लगा रहा हूँ। बट ये बैटरी डैमेज की जो इश्यू हमें XUV700 में आई है, ये बहुत ही चिंतनीय है।
इमीडिएटली जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, यू नो, यहाँ पे मैं पुणे में अभी हूँ, तो यहाँ पे कई सारे शोरूम भी हैं, तो उसमें से मैंने एक शोरूम, यू नो, इट वॉज़ माई लक कि मैंने वहीं से गाड़ी लिया है। वहाँ का जो सर्विस क्वालिटी मैं देखता हूँ अनमैचेबल है, और ये एग्जैजरेटेड नहीं है, ये जो भी है हमारा एक्सपीरियंस है। और मैंने आरएसयू को कॉल करने के बजाय डायरेक्टली उनको ही रीच आउट किया, मैंने बोला कि आज फिर से हमारी गाड़ी डाउन हो गई तो क्या करें। उन्होंने बोला कि मैं आपको 20 मिनट्स के अंदर भेजता हूँ, और आगे से ऑलमोस्ट आ रही है और 5-7 मिनट के अंदर पहुँचने वाली है। तो गाइस मैंने कवर इसका निकाला है अभी, और आप देख सकते हैं इसके अगर ये डोर ओपन है, ये दोनों डोर ओपन है अभी, और एक डोर हमारा लॉक था, तो एक डोर हमारा लॉक है और फिर ड्राइवर का अनलॉक्ड है। ओके, और इसके बाद अभी ये सब लाइट हैं, बट मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी देखिए जैसे ये सब हुआ और मैं इग्निशन लगाऊंगा तो उसके बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए ये होने लग गया। अगर ऐसे सिचुएशन में आप ऑन करते हैं, अब ये ब्लैंक होता रहेगा, अब इसको बंद करने का कोई उपाय नहीं है। ओके, और इसमें आपको ये जो लाइट है, लाइट भी ब्लिंक होने लग जाती है, जितनी भी लाइट है अंदर वो भी ब्लिंक होने लग जाती है। तो ये एक सिग्नल है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है। राइट, अब मैं इसको बंद करने का क्या उपाय है, इसको वन टच फिर से करेंगे ब्रेक पे पैर रख के तो भी बंद नहीं होगा। इसको ब्रेक पे पैर रख के और उसके बाद दबा के रखेंगे बटन को, तब ये थोड़ी देर में बंद होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक हमारा बंद हुआ, इसको इग्निशन को ऑफ स्टैंड बाय करने से एक इंफोटेनमेंट का बंद हो गया, दूसरा स्टिल ब्लिंकिंग है। तो एक बार क्लिक किया उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों बंद हो जाएगा, बट लाइट का प्रॉब्लम अभी भी है। अच्छी बात यह है कि आगे से आ चुकी है और मैं अभी उनको ले कर आता हूँ अंदर। इसका अंदर का लाइट भी देखिए, ये भी इस तरह से ब्लिंक होगा। राइट, इस तरह से ब्लिंक होगा। अब आगे से आ चुकी है, उसके बाद फिर मैं वाह, awesome सर्विस। सो एक मिनट जरा बोनट खोलता हूँ। हाँ, खोल दिया। यस, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो सर्विस है ना, लास्ट टाइम भी मैंने देखा और ये कलरफुल गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है आपके लिए देख के ही लगता है, मतलब अच्छी बात ये है कि अपना ख़राब हुआ था इस वक्त पार्किंग में। हाँ, ओके, आप देख सकते हैं ये आगे से आई हुई है। ये इनका पूरा सेटअप लेकर के एक्चुअली में ये आते हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। मैं तो आई एम ब्लेस्ड कि इस तरह की सर्विस इतनी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और विथ यू हमेशा। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा चेकअप हो रहा है, और अच्छी बात ये है यहाँ इस सर्विस सेंटर की स्पेशली जो मैंने बात किया है, तो उन्होंने मुझे, यू नो, अभी तो फिक्स करके दे देंगे। आरएसए की टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कर हैं, और इमीडिएटली ये फिक्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ें ऑलरेडी लास्ट टाइम हुई थी। बट उसका रूट काउज क्या है इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी, तो इसके लिए उन्होंने मुझे मंडे को बोला है, अपॉइंटमेंट लिया है कि मंडे को आप आइए, इसके बाद इसको ट्रेस करेंगे कि पावर ड्रेनेज किस चीज़ से हो रही है। एक ये डाउट था कि अपडेट होने के पहले ड्रेनेज के इशू थी, अपडेट में फिक्स हो गए, बट अभी हमारा जो इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है ये 7.0 का जो एंड्रॉयड ऑटो का अपडेट है वो चल रहा है, तो उसके बाद भी ये फिक्स नहीं हुए हैं। मे बी कुछ और भी इश्यूज होंगे, वो मैं आपको अपडेट करूँगा क्या इश्यूज हैं ट्रेस होने के बाद। ओके ओके, तो इसका बैटरी निकाल लिए ना, ये वाला बैटरी कितना एमपीए का बैटरी है पहले से? मैंने मांजा में लगाया था 55 एमपीए का बैटरी। एक्चुअली कितना एमपीए का बैटरी है ये? 65। ओके, M1 का ब्लैक। इसमें दो आता है ना, एक ग्रीन वाला आता है। ग्रीन। अच्छा, ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं, M1 से बेहतर एक्साइड है। वही सप्लाई M1 का। हाँ, क्योंकि मैंने उसका उस गाड़ी का मैंने चेंज किया था बैटरी, तो उस टाइम पे भी मुझे पूछा था मतलब कौन सा ले, तो ग्रीन वाला लेने से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, तो वो एक है।
आपका बैटरी ज़्यादा पावरफुल है चला कर रही है दिन भर उसका वही काम रहता है खोलने का। अरे वाह, तो एक एक्स्ट्रा रख लीजिए ना, ऐसे भी तो करने में अच्छा रहेगा। खाली ध्यान रखिए कहीं स्क्रैच वगैरह ना है भैया, वो तो आप केयरफुल हैं, 700 के एक्सपर्ट हैं। लास्ट टाइम आपने उलट दिया था ना। अच्छा हाँ, अंदर बैठो सर, अंदर बैठो ना। स्टार्टर मार, जब मारने के लिए बोलेंगे तब मार। चलेगा 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 भैया, ठीक है। मैं बोलिएगा थोड़ा तेज, अंदर आवाज शायद मारू लगाऊं। ओके, तो अब दूसरी बैटरी लग गई है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, कस के दबिएगा। हाँ, और ये स्टार्ट हो गई दूसरी बैटरी से। पार्किंग में है हमारा, ये सब है रूट काउज, देखेंगे कि क्यों ऐसे इश्यूज आई थी और उसका फिर एनालिसिस के बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, राइट आगे से है। वाह, सर्विस 2 मिनट का है एक्चुअली, 2 मिनट में बड़ी अच्छी सर्विस है महिंद्रा की, ये चीज़ तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये क्विक सर्विस। और दूसरा बैटरी आते वो पहले वाला लगा दिया ना, थोड़ा मुझे चलाना पड़ेगा ना ये वाला एयर फिल्टर वाला भी। 10 किलोमीटर में चार्ज हो जाता होगा ना। 10 किलोमीटर यहाँ से फेज तक जा कर के आ जाएंगे तो कैसे, लेकिन डाउन हुआ ये पता नहीं चला। इस बार तो परसों मैंने यूज किया, नहीं नहीं वो तो ऑटोमेटिक लाइट है, नहीं वो ऑटोमेटिक है, वो जब गाड़ी बंद करेंगे तो बंद हो जाती है ना। बटन है लेकिन वो इनेबल नहीं किया हुआ है, बटन ऑन रहेगा ना। हाँ, तो भी परसों, नहीं वो ऑफ नहीं होता है, ऑटो मोड में किया हुआ है। अभी जैसे देखिए बंद है, अभी देखिए ना पूरा अंदर बंद है, लाइट ऑन नहीं है, कोई भी लाइट ऑन नहीं है। कुछ और प्रॉब्लम है, बैटरी का एक बार चेक करेंगे परसों, क्योंकि लास्ट एक बार और ऐसा हुआ था ना। ये अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा इसका ये इशू बैटरी का फिक्स हो चुका है। अभी अब रूट काउज इसका एनालाइज करेंगे मंडे को, और उसके बाद बताएंगे कि क्या इसके पीछे वजह थी। तो गाइस इस तरह से हमारी ये सर्विस टीम अब जा रही है, सो हमारा इश्यू फिक्स हो चुका है, अब देखेंगे। और यहाँ पे गाड़ी भी हमारी स्टार्ट है, और अभी इसके बाद ऐसा जब भी होता है तो टेक्नीशियन हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको 10-15 किलोमीटर चला लें ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। ओके, सो आइए इसको ड्राइव करते हैं पहले, उसके बाद फिर। तो गाइज अभी आगे से की टीम आकर के फिक्स करके जा चुकी है, और अभी मैं देख पा रहा हूँ, पहली चीज़ मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे यहाँ पे चेक इंजन का वार्निंग, OBD लाइट जो होता है ऑनबोर्ड डिस्प्ले, ये ऑन है। तो ये ऐसे भी क्लियर करवाना पड़ता है, कई बार ये थोड़ा सा रनिंग आप देंगे गाड़ी में तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर भी हो जाता है। क्योंकि अभी इस केस में क्या है, बैटरी डाउन हुआ था तो इसी को जो सिग्नल है वो फ्लैक्चुएट होता है, तो उसके कारण से तो इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके कारण आपका इस तरह के बिहेवियर हुए हैं। यू नो कई रीजन्स हो सकते हैं, जैसे आपका मान लिया एयर इंटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं है, डीजल में पानी है, या ऐसा कुछ भी है तो होता है, कोई हीटर जल गया इसमें, इसके अंदर 3-4 हीटर होते हैं, राइट डीजल इंजन है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सिग्नल आता है। सबसे पहला सिंबल जो आता है वो आता है आपका OBD डिस्प्ले का, OBD चेक वार्निंग का। तो ये अभी एनेबल है,
तो इसके लिए मैं मुझे अच्छी बात ये लगी कि सर्विस सेंटर से इमीडिएट कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, मंडे को आप आइए और मंडे को इसको एनालाइज करेंगे, इसका पावर एनालिसिस करेंगे, उसमें हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या पावर ले रहा था। एक दिन की बात है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था हमारा अभी ये जो एपिसोड हुआ, तो अभी मैं जस्ट एक दिन पहले कार को वॉश करके इसको रख दिया था, ढक दिया था। मैं आइडियली ढकता नहीं हूँ बिकॉज सेरामिक कोटिंग वाले ने ढकने से भी थोड़ा सा मना किया था कि एवरी नाउ ए दिन आप नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रैप हो जाते हैं डस्ट, उससे भी स्क्रैच आते हैं, राइट। तो अभी अब ठीक करके ये जा चुके हैं आगे से टीम वाले, तो उन्होंने अभी बताया है कि गाड़ी को अभी कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक का रनिंग कीजिए, और 15 किलोमीटर का इसलिए रनिंग कीजिए बिकॉज नाइट है, तो नाइट में आपका हेडलाइट भी चलेगा, हेडलाइट चलेगा, फैन चलेगा, एड्रेनोक्स चलेगा, तो पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा कहीं ना कहीं, जितना एम्पियर का पावर जनरेट होता है 135 एम्पियर का पावर जनरेट होता है इसके कंप्रेसर से, आई थिंक। तो गाइज ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि लास्ट टाइम भी मेरे गाड़ी में जो पावर ड्रेनेज की इशू आई थी, तो उस टाइम पे जो हमारा एंड्रॉयड का वर्जन था वो हमारा 7 के नीचे वाला था, 6.1 प्रॉब्ली, तो वो वर्जन था, उसमें भी हुआ था। फिर लगा कि ये बैटरी ड्रेनेज इशू फिक्स होगा, काफ़ी सारे यू नो ब्लॉग्स में मैंने देखे, यूट्यूब पे वीडियोज़ काफ़ी सारे में डाला था कि ये सारे इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, एक्चुअली वो फिक्स इशू में नहीं था। अगर आप उसका रिलीज नोट देखेंगे तो रिलीज नोट में वो नोन बग्स थे, नोन इश्यूज थे, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड इश्यूज करके था, तो वो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन था, वो मुझे पता था कि लोग मूर्ख बना रहे हैं, बट दैट इज़ फाइन टू मी। अभी इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ इसके पीछे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, ऐसा हुआ कि अभी हमारे फ्रेंड यू नो दूसरे कंट्री से आए थे, उनको मैं गाड़ी दिखाने के लिए लेके आया था नीचे, और एक मुझे जाना भी था बुक्स लेने के लिए, तो दो पर्पस थे, तो मेरे पास टाइम की भी थोड़ी सी थी प्रॉब्लम, और मैं उनको सोचा कि मैं उनको बता दूं एक इन शॉर्ट, मैंने बोला पहले ऊपर ही बताते मैंने बोला कि अंदर बैठ जाइए, इसके बाद आपको ऑन करके दिखाता हूँ ये डीजल इंजन कितना साइलेंट है, कैसा इसका यू नो स्पीकर सिस्टम है, और ये सारे फीचर्स मैं सोचा कि इनको बता दूँ। बट मैं बैठाया उनको, उसके बाद फिर मैंने स्विच ऑन किया तो उसके बाद लाइट ब्लिंक होने लग गए, तो ये ऊपर के जो जितने लाइट्स हैं वो धीरे धीरे ब्लिंक होते होते वो डिम होके बंद हो गया, उसके बाद इग्निशन दबाया तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये पूरा का पूरा वाइब्रेट होने लग गया, यू नो लाइटिंग फ्लक्चुएट होने लग गई इस पर। तब मुझे याद आ गई कि सेम चीज़ें हुई थी एक दो महीने पहले जब हमारा इसका इंफोटेनमेंट का वर्जन अपग्रेडेड नहीं था, तो मुझे लगा ये पावर इश्यूज़ है। बट ये डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी होती है कि आप किसी को यू नो गेस्ट को अगर आप गाड़ी दिखा रहे हैं उस टाइम पे ही ऐसे हो जाए तो फिर यू नो इट विल बी अ बैड इम्प्रेशन, राइट। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये ठीक है, इतनी भी बड़ी इशू नहीं है, यू नो कभी भी होता है और ऑटोमेटिक कार में ऐसा होता है। उसके बाद हमारे एक फ्रेंड भी मिले जिन्होंने अभी दूसरी ऑटोमेटिक कार खरीदी है, तो उन्होंने भी बताया कि कभी भी ऑटोमेटिक कार में आपके जो पावर का है बैटरी के ऊपर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, तो इसमें हमेशा बैटरी ज़्यादा खाता है, कोई भी ऑटोमेटिक कार ले लीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी कि बैटरी की जो लाइफ है लाइफ भी कम मिलती है, जैसे नॉर्मली आप मैनुअल कार लेंगे मैनुअल कार में आपको 3 साल बैटरी चल जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक कार में उन्होंने बताया कि मैक्स टू मैक्स 2 साल की लाइफ रहती है। तो ये एक लगा कि आगे के लिए लर्निंग है कि कोई भी अपैरेटस लगाएं तो स्विच ऑन करके ही लगाएं। अभी मैंने कार की वॉशिंग करी थी एक दिन पहले 2 दिन पहले, और तो उस टाइम पे मैंने इंजन ऑन किया था, कुछ समय के लिए ऑन किया था, फिर कुछ समय बिना इंजन ऑन किए भी किया था। तो ये मेरी फाइंडिंग है पावर का, बट अगेन मैं असेसमेंट करवाऊंगा उसके बाद भी मुझे पता चलेगा कि क्या एक्चुअल इसके पीछे रूट काउज थी, तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो गाइज मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ आइडिया इससे मिल सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।